स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। मधेपुरा में शनिवार को जन अधिकार पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव नूतन सिंह के नेतृत्व में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के गिरफ्तारी के विरोध में मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया गया एवं रिहाई की मांग की गई। मौके पर मौजूद जाप जिलाध्यक्ष मोहन मंडल एवं युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल अनल ने कहा कि केंद्र की निकम्मी सरकार की अभी तक नींद नहीं खुली है, जो काफी दुखद है। उन्होंने कहा कि नींद खुलेगी भी कैसे, इनके राज में तो एम्बुलेंस चोर मालामाल हैं और गरीबों को सेवा करने वाले गिरफ्तार हैं। ऐसे सरकार को तो पुरस्कार मिलना चाहिए, इन्होंने तो गंगा माँ तक नहीं छोड़ा है। जन अधिकार छात्र परिषद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमन कुमार रितेश व जाप महिला जिला अध्यक्ष कला कुमारी ने कहा कि जब तक पप्पू यादव को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जन आंदोलन करते रहेंगे। युवा शक्ति के जिलाध्यक्ष रामचंद्र यदुवंशी व जाप जिला प्रवक्ता रविंद्र यादव ने कहा कि हल्की सी बारिश के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। पप्पू यादव बाहर होते तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, इस पानी में भी वे लोगों की मदद करते रहते। आज इस निकम्मी नीतीश कुमार की सरकार ने इस कोरोना के भीषण महामारी में जनता को मरने छोड़ दिया है और गरीबों के सेवक को जेल में बंद कर दिया है, जो काफी दुखद है। मशाल जुलूस के दौरान कई जाप व युवा शक्ति के कार्यकर्ता मौजूद। हम लोग सरकार के विरोध में हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, बहुत जल्द गरीब के मसीहा पप्पू यादव हम लोग के बीच रहेंगे, इसीलिए सरकार का घोर निंदा करते हैं। सरकार का जो गंदा नीति है, सरकार से हम कहना चाहते हैं, आप अभी भी गरीब के मसीहा पप्पू यादव का रिहा करने का काम कीजिए, नहीं तो हम लोग उग्र हो जाएंगे। आप पप्पू यादव को जेल में रखे हैं, पप्पू यादव के जेल में हम लोग हैं, इसीलिए उग्र नहीं हो रहे हैं। जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जिंदाबाद। जुलूस निकाला गया महिला मोर्चा के नेतृत्व में, आज जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव को साजिश के तहत जेल में डालने का काम बिहार सरकार मोदी के इशारे पर किया है, एम्बुलेंस चोर के इशारे पर किया है। आज एम्बुलेंस चोर आज सरेआम घूम रहा है, लेकिन जो गरीब का मसीहा है, लोगों का सेवा करने का काम करते थे, गरीबों को खाना देने का काम करते थे, कोरोना में गरीबों को ऑक्सीजन देने का काम करते थे, गरीबों को दवाई देने का काम करते थे, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का आंखा किरकिरी बन गया पप्पू यादव। आज पप्पू यादव को साजिश के तहत जेल में देने का काम किया, जो 32 साल का झूठा मुकदमा था, आज उसमें मुकदमा में देखिएगा कुछ नहीं है, लेकिन साजिश के तहत पप्पू यादव को जेल में देने का काम किया गया है। इसीलिए आज हम लोग मशाल जुलूस के द्वारा नीतीश कुमार का और बिहार सरकार का विरोध करने का काम करते हैं और बिहार सरकार से काम करते हैं। यदि आप पप्पू यादव पर उंगली उठाना भी चाहिएगा तो आपको आंख में उंगली भोंकने का काम जन अधिकार पार्टी का काम कार्यकर्ता करेगा।